যখন সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক, এই জন্য সারা বিশ্বে লকডাউন জারি করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের মানুষের কাছে আবেদন করলেন যে সবাই যেন বাড়িতে থাকে, কেউ যেন বাইরে না বেরোয়। কিন্তু সাধারণ লোকেদের খুব অসুবিধা এবং যারা রোজ খেতে খাওয়া লোক তাদের খুব অসুবিধা। ঠিক এই সময় এগিয়ে মোহাম্মদ শাহিদ ওয়ার্সি সেন্ট্রাল কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট মাইনরিটি ডিপার্টমেন্ট কংগ্রেস কমিটি ভাইস চেয়ারম্যান, এনার উদ্যোগে রাজাবাজার ও নারকুলডাঙ্গা এলাকা গরিব ও দুস্থ লোকেদের খাবার বিতরণ করলেন। তার সাথে সাথে লোকেদেরকে আবেদন করেন যাতে লকডাউন পালন করে, পুলিশ ও প্রশাসনের সবাই যেন সহযোগিতা করেন। তার সাথে সাথে উনি টিকিয়াপাড়া ঘটনাকে নিন্দা করেন। আমরা এনার সাথে কিছু কথা বলি। আপনি তাম হিন্দুস্তানিও ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो लॉकडाउन का पालन करें, मास्क पहने रहें, कहीं भी जाएं मास्क पहन के जाएं, साफ सुथरा रहें, अपने इलाके अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें, डिस्टेंस बनाए रखें, कहीं कभी भी भीड़ ना लगाएं, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने इलाके अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखें। अच्छा, टिकियापाड़ा में जिस तरह का वाकया घटा, जो घटना घटा जी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, टिकियापाड़ा में जो घटना घटा उसका दो पहलू है। बहुत से गोदी मीडिया जो दिखला रहा है, हर बात का दो पहलू होता है, आईना का दो रुख होता है। जो खबर मेरे पास आई है कि किसी पुलिस वाले ने किसी औरत को मारा बेतरीका, अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। एक पुलिस वाले को ऐसा कोई हरकत नहीं करना चाहिए था। और जो सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल है, जिस तरह से लोग दौड़ रहे हैं और कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, मैं इसके बिल्कुल मुखालिफ हूँ। जिन लोगों ने भी ये काम किया, मैं इसकी पूरी निंदा करता हूँ। ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। और मुझे खास करके ये उम्मीद नहीं थी कि हावड़ा के लोग कुछ इस तरीका का कदम उठाएंगे। मुझे बहुत अफसोस है। अभी जो हालात जो चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर में, और ख़ास तौर से जहां हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वहां पे लॉकडाउन का कहीं कहीं पर पालन हो भी रहा है और पालन नहीं भी हो रहा है। तो जहाँ हो रहा है वहाँ तो ठीक है, जहाँ पर नहीं हो रहा है उनसे मेरी पूरी गुजारिश है, अपील है कि लॉकडाउन का पालन करें। जो सरकार जो है हमें कह रहा है, जो सरकार जो हमें बता रही है लॉकडाउन का पालन करने के लिए, उसका जो है हमको जो है पूरी अच्छी तरह से पालन करना है। भीड़ भाड़ कहीं नहीं लगाना है। देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क के अंदर में जो है इबादत खाना में जब ताला लग गया है, इबादत खाना जब बंद हो गया है, तो आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से जो है, मतलब कि गहराई की तरह से जो है आप सोच सकते हैं कि जब गिरजा में, घर में, मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में, सभी जगह जो है ताला लग गया है, क्यों लगा है, आखिर इसकी वजह क्या है। वजह यही है कि लॉकडाउन का हम लोग पालन नहीं कर रहे, वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का जो है खास करके ध्यान नहीं रख रहे। अगर हम लोग बाजार के अंदर में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है हम लोग दूरी बना करके नहीं रखते हैं, सब एक दूसरे से सट रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम 29 नंबर वार्ड के बाशिंदगान हैं और यहाँ पर हम आए हैं शाहिद साहब के पास। उन्होंने मुझे फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया है, ख़ास करके इनवाइट दिया है। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे हालात में सभी का हालात ख़राब है। वो बहुत बड़े इंसान नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी उनके पास थोड़ा सा है वो सोचते हैं कि हम इनको गरीबों में तकसीम करके और लोगों को जो है हमदर्दी दिखा करके जो है उनसे मैं दुआ लेना चाहता हूं। और ये उनका बहुत बड़ा रोल है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत जुटाए हैं। वो हिम्मत जुटाने के बाद में जो है इतना थोड़ा सा जो है सहारा बन रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शाहिद साहब का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि इसी तरह से जो है गरीबों का हम नवाब बनते रहें, उनके दुख दर्द को बांटते रहें। और मैं उन लोगों से भी जो है दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग उनके लिए पूरी अच्छी तरह से जो है दुआ करें ताकि वो आगे आएँ और इसी तरह से जो है हम लोगों का जो है मदद करते रहें। तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।